वहीं जनपद बदायूं में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने चक्का जाम कर सड़कों पर उतराया। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने रोड पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल अधिवक्ता सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर अधिवक्ताओं को डीएम को ज्ञापन देना था। चक्का जाम की सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार सिंह सहित भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। वहीं वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट को लौटा दिया और डीएम को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। अधिवक्ताओं का कहना था कि वे ज्ञापन देने गए तो डीएम गेट के बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए। वहीं एसएसपी ओपी सिंह के समझाने पर वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के आह्वान पे हेलो सरकार से कुछ मांगे मांगे सीट पे उसमें मेन मांगे एडवोकेट प्रोटेक्शन अभी आ रहा हूँ 5 बजे। उधर सरकार दिखा रही है हठधर्म का, इधर डीएम दिखा रहा है हठधर्म का। ज्ञापन के 4 चरण थे, हर चरण में ज्ञापन दिया गया, सुकून से दिया गया। आज लास्ट ज्ञापन बार काउंसिल का आह्वान है कि डीएम को ही देना है जी, तो हमारी ये कि डीएम को ही देंगे और डीएम अगर नहीं लेंगे तो ये सीधी सी बात ये है, यह आर पार की लड़ाई। हो सकता हम सरकार से ना लड़ पाए क्योंकि वहाँ बार काउंसिल का आह्वान है, लेकिन यहाँ ये लोकल की लड़ाई लड़के दिखा देंगे यार।